फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपकी दोस्तों एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई थी, तो आज का वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज का वो सभी वीडियो दोस्तों, यानी कि आज की वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक एक सेकंड दोस्तों आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। 9th 11th के एवरी बच्चे दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें 9th 11th के बच्चों का, जो है ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है। डेट शीट पर हम नजर मारे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9th का जो है यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, केवल बच गया है हिंदी का। और हिंदी में दोस्तों शायद ही किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आया होगा, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे हटा सकते हैं। सारे के सारे दोस्तों जितने भी मेन सब्जेक्ट जिनमें कंपार्टमेंट आया हुआ था बच्चे का सभी दोस्तों एग्जाम हो चुका है। कॉपी चेकिंग को लेकर मैं आपको अभी अपडेट दूंगा, उससे पहले 11th पे भी दोस्तों यहाँ पे नजर देखें। 11th पे नजर मारे दोस्तों, 11th का भी जो है ऑलमोस्ट दोस्तों जितने भी मेन सब्जेक्ट थे सभी एग्जाम खत्म हो गया है। केवल लास्ट दोस्तों यहाँ पे आपका बच गया है कौन सा, आपका बायोलॉजी का, यानी कि जिन बच्चों की बायो में जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट आई हुई थी 11th का, केवल बायो वाले ही बच्चे बच गए हैं। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट का दोस्तों ऑलमोस्ट सभी बच्चों का यहाँ पे कंपार्टमेंट खत्म हो चुका है। कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों बात करें तो दोस्तों 1 से 2 दिन ही लग रहा है दोस्तों कॉपी चेकिंग में, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कंपार्टमेंट में काफी कम बच्चे हैं। किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 5 बच्चे हैं, तो इसी तरीके से 4, 4, 5, 5, 1, 2 करके ही जो है सभी स्कूलों में बच्चे हैं। तो दोस्तों कंपार्टमेंट की कॉपी 1 से 2 दिन में दोस्तों 100% कंप्लीट कर ली जा रही है। यहां पे दोस्तों 9th को लेकर बात करें तो 9th की दोस्तों यहां पे इंफॉर्मेशन जब क्लियर कर दोस्तों इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इंग्लिश तक की दोस्तों कॉपी चेकिंग यहां पे 100% डन हो चुका है। कोई भी स्कूल नहीं बचा दोस्तों जो इंग्लिश की कॉपी चेकिंग अभी कर रहा है, सभी स्कूल ने दोस्तों कॉपी चेकिंग यहां पे कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11th में दोस्तों बात करें तो क्लास 11th में दोस्तों आपकी यहां पे जो है मैथमेटिक्स की दोस्तों कॉपियां जो है आपके स्कूलों में चलने लग रही है। काफी सारे स्कूल दोस्तों इसको फिनिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे मैथ में जो है जिन बच्चों की ज्यादा कंपार्टमेंट आई हुई है वहां पर जो है मैथमेटिक्स की कॉपी चेकिंग चल रही है। और मैथमेटिक्स में दोस्तों पास होने के लिए आपको 80 में से जो है मिनिमम आपको 26 नंबर लाना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का दोस्तों 26 नंबर का पेपर हुआ है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और जिन बच्चों ने दोस्तों 26 से कम लिखा है वो भी दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों उनको ग्रेस मार्क्स यहां पे हेल्प करेगा। और 9th के बच्चे आप लोग दोस्तों बिल्कुल नहीं डरना, 9th के सभी बच्चे पास हैं जिन्होंने 20 प्लस का जो है यहां पे पेपर में स्कोर करके आए हैं, यानी 9th के वो सभी बच्चे पास हैं जिन्होंने पेपर में 20 नंबर का भी अगर कर दिया है ना। अगर आपको लगता है कि मैंने 20 नंबर का तो पेपर कर ही दिया है, 20 नंबर तो मेरे आराम से आ जाएंगे 80 में से, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। काफी सारे बच्चों के मैं कमेंट्स देख रहा हूं, 9th के बच्चे कह रहे हैं कि मेरा जो है पेपर खराब गया है, मेरे बहुत ही मुश्किल से 20 नंबर या 25 नंबर आ रहे होंगे, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्योंकि पास तो मेरे 33 नंबर पे होना है, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका जो है कंबाइंड पासिंग क्राइटेरिया है, इसलिए आप अगर 20 नंबर भी ले आते हैं तो इंटरनल के नंबर मिलाकर जो है आपके 33 नंबर इजीली हो जाएंगे और आप 100% पास हो जाएंगे, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं बात करूं तो दोस्तों आपकी जो है यहां पे एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पे देखेंगे दोस्तों तो कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग के साथ साथ दोस्तों मार्क्स अपलोडिंग का भी काम जो है लगातार चल रहा है। इसको लेकर दोस्तों ऑनलाइन लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। 17 तारीख से लेकर दोस्तों यहां पे जो है 6 तारीख तक जो है यहां पे मार्क्स अपलोडिंग का काम चल रहा है, जिसमें दोस्तों बात करें तो टीचर्स दोस्तों जैसे ही कॉपी चेकिंग हो जा रही है, कोई स्कूल 1 दिन में कर ले रहे हैं तो कोई स्कूल दोस्तों 2 दिन में कर रहे हैं, तो दोस्तों जैसे ही जो है आपकी यहां पे कॉपी चेकिंग हो रही है साथ के साथ दोस्तों मार्क्स अपलोडिंग का भी काम यहां पे चलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, मार्क्स अपलोडिंग होने के बाद दोस्तों आपके जो है यहां पे ग्रेस मार्क्स जैसी जो चीजें होगी वो मार्क्स अपलोडिंग के बाद ही होगी दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों यहां पे जो है ग्रेस मार्क्स को लेकर जो बच्चे यहां पे सवाल कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने नंबर मिलेगा, तो सबसे पहले बता दूं ग्रेस मार्क्स दोस्तों सभी बच्चों को नहीं मिलता। ग्रेस मार्क्स केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो 1 नंबर से 2 नंबर से या 3 नंबर से फेल हो रहे होते, और साथ के साथ दोस्तों ग्रेस मार्क्स केवल उन बच्चों को मिलता है जो पूरा का पूरा पेपर दोस्तों यहां पे अटेम्प्ट करके आते दोस्तों। और साथ के साथ दोस्तों ग्रेस मार्क्स दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, ग्रेस मार्क्स दोस्तों इस बार जो है टोटली डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर। यानी कि दोस्तों आपका जो है 9th के स्टूडेंट्स हो या फिर आप 11th के स्टूडेंट्स हो, आपने मैथ के लिए कंपार्टमेंट दिया हो या फिर फिजिक्स की दिया हो, केमिस्ट्री का दिया हो या SST का दिया हो, साइंस का दिया हो, कोई भी सब्जेक्ट का दोस्तों आपने कंपार्टमेंट दिया हो, दोस्तों यहां पे जो है मार्क्स दोस्तों यहां पे जो मॉडरेशन दोस्तों आपकी जो लगाई जाएगी, ग्रेस जो लगाई जाएगी, उसमें दोस्तों टोटली डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा था। क्योंकि दोस्तों जैसे ही सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों पेपर का लेवल का भी यहां पे जो है पूरा का पूरा कंप्लीट दोस्तों डिटेल जानी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप 9th 11th के स्टूडेंट्स हैं तो नीचे एक बार जरूर से कमेंट करिएगा, अपने पेपर के साथ साथ कमेंट करिएगा। जैसे कि साइंस का पेपर है तो साइंस के साथ साथ जो है आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा जो है साइंस का पेपर था, वो साइंस का पेपर कंपार्टमेंट को जो आया था वो ईजी था, हार्ड था, या फिर आपका जो साइंस का पेपर आया था या फिर जो आपका फिजिक्स का पेपर आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड डाल दिया गया था, मेरा एनुअल से पेपर हार्ड था, ऐसा दोस्तों कोई भी आपकी अगर क्यूरी है दोस्तों तो नीचे
नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वो चीजें यहाँ पे साथ के साथ दोस्तों बताई जाएगी, तभी दोस्तों यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों ये चीज आपको बताना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर पेपर का लेवल जो है अगर इजी चला जाता है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता दिया, टोटली डिपेंड करेगा दोस्तों ग्रेस मार्क्स यहाँ पर पेपर के लेवल पे। तो अगर इजी पेपर का लेवल यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को सबमिट हो जाता है तो एक से दो नंबर वाले बच्चे को ही दोस्तों यहाँ पे जो है एक से दो नंबर ही दोस्तों यहाँ पे बच्चों को दिया जाएगा और ग्रेस मार्क्स के रूप में, और केवल इन्हीं बच्चों को पास किया जाएगा जो 33 में जो है केवल एक से दो नंबर कम रह जाएंगे। जैसे कि कोई बच्चा 32 पे आ गया है या 31 पे आ गया है तो केवल उसी को पास करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर पेपर का लेवल हार्ड जाएगा तो 5 नंबर भी दोस्तों किसी के कम आ जाते हैं, यानी कि 28 नंबर पर भी अगर कोई बच्चा आकर पहुंच जाता है तो दोस्तों उसको भी पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों टोटली डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे। तो आप लोग दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा पेपर को लेवल को लेकर। तो दोस्तों बीच में कोई कंपार्टमेंट को लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए आ रही थी जो मैंने आपको बता दिया। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। जय हिंद।